बैटल ग्राउंड के डेटा ट्रांसफर को लेके ऑफिशियल साइट से कंफर्मेशन आ चुकी है एंड अपकमिंग वीडियोस एंड ट्रेल को लेके भी कंफर्मेशन मिल चुकी है एंड बैटल ग्राउंड आपको प्ले शो पे देखने के लिए मिलेगा। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज वाले वीडियो में बिल्कुल ऑसम एंड लेजिट न्यूज होने वाली है। सो वीडियो को तो गलती से भी स्किप मत कर देना, बिकॉज यहां पे हमें ऑफिशियल साइट से कुछ चीजें ऐसी देखने के लिए मिली हैं। सबसे पहले तो गाइस बात करें, अभी आप सभी को पता होगा 15 या 20 दिन, मतलब आप 3 वीक कह सकते हो, उसके अंदर आपको 100% अभी के हिसाब से आपको 100% गेम देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक 20 तारीख तक, ठीक है। बट अगर अभी हम बात करें गाइस यहाँ पे एक्चुअली में उससे पहले जो चीजें आनी है, सबसे पहले यहाँ पे 2 वीडियो शेड्यूल करके रखी है गाइस गेम आने से पहले। अभी दोनों वीडियो आप कह सकते हो उसको फर्स्ट लुक ट्रेलर या फिर सिनेमैटिक ट्रेलर, आप कुछ भी उनको नाम दे सकते हो बेसिकली। तो अभी वो दोनों वीडियो किस टाइप की होने वाली है, क्या उनके अंदर डेट मेंशन होंगी या किस टाइप की, मतलब दोनों वीडियो दोनों को एक्सप्लेन करूंगा एंड वो हमें कब तक देखने के लिए मिलेगी वो बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह आनी है, उससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगा एंड उसके बाद जब गेम लॉन्च हो जाएगा उसके बाद भी गाइस यहाँ पे आपको आरपी मतलब कितने दिन बाद देखने के मिलेगा, आरपी कैसा होगा एंड बोनस चैलेंज कितने दिन बाद स्टार्ट होगा एंड बोनस चैलेंज कैसा होगा, टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट कब होगी ऑफिशियल साइट से एंड टूर्नामेंट कैसा होगा बेसिकली पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज ये सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट नहीं होंगी, आरपी बोनस चैलेंज टूर्नामेंट ये थोड़े दिन बाद स्टार्ट होंगे बेसिकली, उसके ऊपर बताऊंगा गाइस कैसे वो स्टार्ट होंगे एंड कितने दिन बाद होंगे एंड कैसे अंदर से होने वाला है। तो इस चीज़ को लेके गाइस मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट उसी के साथ साथ यहाँ पे गाइस हमें ऑफिशियल साइट से ही कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आपका बैटल ग्राउंड में सारा का डेटा ट्रांसफर होगा। एक्चुअली में मतलब आपको विद प्रूफ ये चीज़ दिखाऊंगा एंड उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आप कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दे तो, जो भी आप कर भी रहे होंगे कुछ लोग, सो गाइस आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होने वाला, लाइक आपको न्यू आईडी क्रिएट करना पड़ेगा बैटल ग्राउंड में। बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल वर्जन में ऑफिशियली एक नोटिस आ चुका है, उस नोटिस में ये लिखा है अगर यहाँ पे जो आप 4 पॉइंट है इनको मिस्टेक करते हो सो यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो आपको नहीं मिलने वाली बैटल ग्राउंड में, आपकी नहीं जाने वाली, आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी। सो बहुत नॉर्मल है, अभी चीजें जो हम लोग कर भी लेते हैं बेसिकली वो इतनी ज्यादा मतलब ऐसी चीजें नहीं है कि हम हैक वगैरह यूज करें, कुछ और भी चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा वो भी कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी आईडी बैन हो सकती है, तो इसलिए फिर आपको न्यू आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी बैटल ग्राउंड में। सो इसलिए वीडियो एंड तक पूरा वॉच कर लेना एंड समझ लेना वो क्या चीज़ है, वो पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट मत करना नहीं तो आपकी आईडी बैन हो सकती है। एंड गाइज अगर आप चैनल पे नए हो सो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी हम 75K के बहुत ज्यादा क्लोज है। सो गाइस जिस भी बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया अपनी दूसरी आईडी से तीसरी आईडी से कैसे भी गाइस फटाफट से गाइस सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अभी हमें जल्दी से जल्दी 75K हिट करना है। एंड उसी के साथ साथ गाइस अगर आप यहाँ पे मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे गाइस यहाँ पे मैं आपको Q&A वगैरह करता रहता हूँ बैटल ग्राउंड से रिलेटेड एंड उसके साथ साथ वहाँ पे 5 RP का यू विशियल रहता है, इंस्टा करेंगे आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा। सो भी गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गो बॉयज। तो गाइस अभी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे ऑफिशियल साइट से डेटा ट्रांसफर की कंफर्मेशन मिली है वो हमें इस फोटो को देखने के बाद मिली है, जो अभी इंस्टाग्राम पे ऑफिशियली डाली गई थी कल। एंड यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे आपको एक बैकपैक का स्क्रीन देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ पे बैकपैक है ग्लोबल वर्जन का। अभी ग्लोबल वर्जन का बैकपैक मतलब समझ सकते हो, ग्लोबल वर्जन का बैकपैक बैटल ग्राउंड में ट्रांसफर हो चुका है, जब भी वो बैटल ग्राउंड की फोटो में यूज किया गया तो इसके मतलब समझ में आता है कि अगर एक बैक की स्क्रीन आई है तो सारी आएंगी, बैक की स्क्रीन आएंगी तो हेलमेट गन आउटफिट प्लेन की स्क्रीन पैराशूट की स्क्रीन लाइक एवरीथिंग आपका सब कुछ आने वाला है। एंड जो फ्रेम्स वगैरह है उनके बारे में मैं शाम वाली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जितनी भी सारी चीजें सारी आने वाली है ऑफिशियल साइट से भी कंफर्म हो गया, बिकॉज वरना वो ग्लोबल वर्जन का या फिर जो पुरानी आउटफिट मतलब वो है बैक की स्किन उसको यूज नहीं करते, यहाँ पे वो नई स्किन यूज कर सकते थे, तो पुराना यूज करने का मतलब यही है कि गाइस यहाँ पे ओल्ड डेटा भी आपका मिलने वाला है। सो बेसिकली तो ऑफिशियल साइट से कंफर्म हो चुका है एंड यहाँ पे अभी हम ट्रेलर को लेकर गाइस उसकी लाइक वीडियोज वगैरह को लेकर एंड उसकी डेट्स वगैरह को लेकर आगे बात करेंगे। बट उससे पहले गाइस यहाँ पे मैं आपको नोटिस के बारे में समझा देता हूँ, जिससे आपकी ऐसा हो सकता है अगर आप वो मिस्टेक कर दो तो आईडी ना ट्रांसफर हो। सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस ग्लोबल वर्जन में कुछ बंदों को ये नोटिस देखने के लिए मिला है, बेसिकली सबको नहीं मिला बट जिसको मिला समझ लो आपका अकाउंट बैन होने के बहुत ज्यादा क्लोज है एंड जिस बंदों को नोटिस नहीं मिला उसको आगे फ्यूचर में मिल सकता है, तो वो मिस्टेक मत करे जो इसमें लिखी हुई है, ये ऑफिशियल्स ने खुद लिखी है। अगर हम बात करें अगर आप ग्लोबल वर्जन खेल रहे हो आपको नोटिस मिला नहीं है तो मिल भी सकता है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसमें ये लिखा है द बैन सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह को लेके, लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, यानी उन्होंने यही लिखा है
कि फर्स्ट चीज अगर गाइज यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट की जगह से कहीं और से आप डाउनलोड करते हो गेम को, सो आपकी यहाँ पे लाइक आईडी हो सकती है बैन, वो भी परमानेंट 10 ईयर्स के लिए या फिर उससे भी ज़्यादा, लाइक वही होता है 10 ईयर मैक्स, तो लाइक मतलब आपकी आईडी हो सकती है परमानेंट बैन। सो गाइज एक्चुअली मैं बात करें, मेरे लिंक से अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो वो ऑफिशियली हो गया, मैं ऑफिशियल वेबसाइट वाला लिंक दिया था आपको, बट अगर आपने कहीं थर्ड पार्टी से किया तो मैं बोलूँगा इंस्टॉल करके एक बार ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड कर लो। एंड सेकंड चीज गाइज, यहाँ पे दिस डिवाइस यू इंस्टॉल करंटली, मतलब आपके पास कोई भी लाइक यहाँ पे चीटिंग प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, लाइक यहाँ पे GFX या फिर कोई फाइल्स वगैरह डाल रखी है आपने जो भी लाइक हैक्स वगैरह के लिए यूज होती है, या फिर स्मूथ करने के लिए कुछ भी यहाँ पे लाइक वो GFX या फिर कॉन्फिग वगैरह जो भी होता है वो सब यहाँ पे मत रखो, बिकॉज अभी यार बैटल ग्राउंड आएगा उसमें वैसे ही स्मूथ चल जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ें चलते हो आईडी बैन हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। सो ये कॉन्फिग वगैरह सब यूज़ करना बंद कर दो। एंड द करंट डिवाइस हैज़ बीन, मतलब यहाँ पे ना वो रूटेड हो एंड ना यहाँ पे वो जेल ब्रेक ब्रोकन जो भी होता है, लाइक ये सब चीज़ें मत करो यहाँ पे, मतलब फोन को रूट वगैरह मत करो, अगर रूट है तो उसमें पबजी मत खेलो, और रोक के रखो भाई मत खेलो उसमें, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज रूट से आप यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें खोल सकते हो जो लाइक नॉर्मल फोन में नहीं होती, सो इसलिए यहाँ पे वो भी एक चीटेड में ही आएगा। एंड उसी के साथ साथ बात करें, नॉट यूजिंग द अकाउंट ऑफ अदर प्लेयर, ना ही अपनी आईडी अपने दोस्त को दो, ना ही अपनी दोस्त की आईडी खुद लो, अपने फोन में मत यूज़ करो, बिकॉज अगर वो हैक कर रहा है या फिर वो हैक नहीं भी कर रहा तो भी अगर उसकी आईडी बैन होनी होगी तो यार आपके फोन में होगी, आपकी और आईडी भी बैन हो सकती है जो आपके फोन में है, या फिर आपका आईपी कनेक्ट करके आपका फोन ही बैन हो जाए फिर आप गेम ना इंस्टॉल कर पाओ, तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए किसी भी फ्रेंड को अपनी आईडी मत दो, ना ही उसकी आईडी यूज़ करो भी कुछ दिन तक। सो बेसिकली ये 4 पॉइंट है जिनको आपको रिपीट नहीं करना है, वरना आपकी आईडी बैन हो सकती है। अगर अभी हम बात करेगा इस यहाँ पे, सबसे पहली चीज आपको भी 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें ये लिखा होगा बेसिकली कितने प्रिशन हुए हैं टोटल, या 10 मिलियन 5 मिलियन जितने भी हुए होंगे वो मेंशन के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो ट्रेलर की डेट आई है, सॉरी सिनेमेटिक जो टीजर है ट्रेलर बोलो, उसकी जो डेट आई है बेसिकली अभी 10 दिन का एड कैंपेन चलेगा, 18 से 28 चला था वो हो चुका है कंप्लीट, 28 तक यहाँ पे मतलब 27 को वीडियो आ चुका था एंड 28 को कैंपेन खत्म हुआ, अभी 28 से जो 10 दिन का चलेगा वो चलेगा 26 तारीख तक, ठीक है 28 से 10 मतलब यहाँ पे 26 तारीख तक वो एड कैंपेन चलेगा, एंड उससे एक दिन पहले वीडियो आ सकती है एंड उसके एक दिन बाद भी आ सकती है। अभी एड कैंपेन खत्म होगा 6 को, सो वीडियो हमें 5 को भी देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज ये वाला जो वीडियो आया अभी ये 27 को आया था जो ये बैकपैक वाला था, ठीक है, तो वहां पे 5 को भी हमें सिनेमैटिक ट्रेलर देखने के लिए मिल सकता है, फिर उसका एड कैंपेन चलेगा, एंड ऐसा भी हो सकता है हमें 7 को देखने के लिए मिले एंड 8 को भी आ सकता है। सो अभी मैं जो डेट दूंगा वो आपको दूंगा 5, 6, मतलब 5, 7, 8, ठीक है, ये 3 डेट्स हैं बेसिकली, इनमें यार 1-2 दिन ऊपर नीचे वो अपने हिसाब से करेंगे क्राफ्ट ऑन, बाकी ऑफिशियल साइट से जो डेट अलग अभी वो 5 है, अभी एक दिन ऊपर भी हो जाता तो चिल मारो, बाकी ये डेट्स आई हैं। अभी एक सिनेमैटिक ट्रेलर होगा बेसिकली, जिसमें थोड़ा मूवी टाइप शूट करके दिखा देंगे कैसा लाइक गेम्स वगैरह को लेके, एंड उसके बाद बात करेगा इस यहाँ पे 12 से 14 के बीच में आपको ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर डेट मेंशन होगा गेम की, एंड गेम की डेट यहाँ पे लाइक डिपेंड करेगी सिचुएशन के हिसाब से, अभी 18 चल रही है, वहाँ पे 19-20 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ना ही कुछ ज़्यादा कम होने वाली, बेसिकली 18 के अराउंड यहाँ पे डेट्स रहेगी। एंड गाइस बात करें गेम लॉन्च के बाद, तो गेम लॉन्च के कुछ दिन बाद लाइक यहाँ पे 7-8 दिन बाद गाइस आपका आरपी भी अनलॉक हो जाएगा, उसमें न्यू सीजन के साथ आपको सीजन 1 से स्टार्टअप देखने के लिए मिलेगा, जो टाइप ऑफ थोड़ा बहुत कॉपी होगा गाइस, यहाँ पे 80% ग्लोबल वर्जन का, 20% थोड़ा अलग होगा, सो बेसिकली इस टाइप का आपको आरपी देखने के लिए मिलेगा। फिर बोनस चैलेंज भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लाइक आप बोल सकते हो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बोनस चैलेंज भी स्टार्ट हो जाएगा, वो खाली इंडिया के लिए अलग से सेपरेट बनाया जाएगा, उसके थोड़े रिवॉर्ड्स वगैरह वो सब भी अलग होंगे, थोड़ा टाइप ऑफ भी उसका अलग होगा पूरा सीन। एंड टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट भी आपको अंडरडॉग के लिए अलग यहाँ पे 1 वीक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, उससे पहले ही कुछ यहाँ पे पहले हो जाएंगे, यहाँ पे जो बड़े टूर्नामेंट्स उनके अनाउंसमेंट आपको 1 वीक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, अभी वो लाइक यहाँ पे नॉर्मली इंडिया के लिए ही होंगी, उसमें कोई बाहर का सीन नहीं होगा, जो भी लाइक बंदे स्टार्टअप कर रहे हैं जो अंडरडॉग्स हैं लाइक उनके लिए गाइस यहाँ पे एक टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। एंड उसी के साथ भाई बात करें, अभी यहाँ पे मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या सीन है गेम्स वगैरह को लेकर, सो भी वेट करते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी कोई भी अपडेट आता है मैं आपको एकदम वीडियो बना के बता दूंगा। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।